कोविड-19 महामारी के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। कोविड-19 में सुविधाओं को लेकर जहां कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रदेश सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं के द्वारा कांग्रेस पर फजूल से बयानबाजी करने की बात कही जा रही है। हमीरपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने प्रदेश सरकार पर प्रवासी मजदूरों के पलायन होने पर कारोबारियों के व्यवसाय बंद करने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए केवल विरोध करने वाली पार्टी करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में मजदूरों का पलायन हो रहा है और कारोबारियों के व्यवसाय बंद हो रहे हैं, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करने की बजाय सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। उन्होंने बीजेपी से अपील की कि इस संकट की घड़ी में अनावश्यक फायदा ना उठाएं, क्योंकि जनता बहुत जल्द ही उसको इसका जवाब देगी। कोरोना संकट के इस दौर में सभी तरह के कारोबार ठप हो चुके हैं। मजदूरों के पलायन करने के बाद स्थिति इतनी विकराल रूप ले गई है कि छोटे बड़े सभी व्यापारियों के कारोबार ठप हो गए हैं। चाहे वो किसान हो, बागवान हो, मजदूर हो या फिर छोटा बड़ा व्यापारी हो, मजदूरों के न होने की वजह से सभी तरह के कार्य बंद पड़े हैं। सरकार से हमारा आग्रह है कि इन सभी वर्गों को विशेष आर्थिक सहायता देने के बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और संवेदनशीलता दिखाई जाए। आज स्थिति यह है कि अगर लॉकडाउन के खुले समय में बाज़ार खुला भी है तो दुकानों पे कोई डिमांड नहीं है और परेशान हैं सभी तरह के छोटे बड़े व्यापारी। आज ज़रूरत है कि उन लोगों के कमर्शियल बिल्स के ऊपर भी सरकार फैसला ले और उनको राहत दे। बिजली, पानी, टेलीफोन के जो बिल हैं उनके ऊपर भी विशेष सहायता अनुदान देने की सरकार घोषणा करे। यही नहीं, जो कारोबारी छोटा कारोबारी है उसके लिए भी ये जो कर्ज देने की बात है उसकी जगह आज ज़रूरत उनको इस बात की है कि आर्थिक तौर पर उनको सहायता दी जाए। अतः हमारा निवेदन है सरकार से कि संवेदनशीलता दिखाते हुए इन लोगों को जो है वो आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि इस विकट स्थिति से जो है निपटा जा सके। जहाँ तक विकराल स्थिति आज बनी हुई है, प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार के साथ इस संकट की घड़ी में साथ खड़ी है और जो भी हमारा आग्रह है, जो सजगता के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। लिखित रूप में भी हमारे अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी दे रहे हैं और हम वैसे भी इनसे आग्रह कर रहे हैं जो भी समस्याएँ आ रही हैं कृपया उनके निदान करने के बारे में सरकार सोचे। जो ये आंकड़े पेश करके सरकार ये कह रही है कि विकास हो रहा है प्रदेश में, कृपया ऐसे आंकड़े देकर जनता को छलना बंद करें। आप संवेदनशीलता दिखाएं और इस वक्त आंकड़े दिखाकर विकास की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार आगे आए और विशेष सहायता दे, यही हम आग्रह करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ही शोर लगाकर लोगों को अपने प्रदेशों में घर भेजने की मांग की थी, लेकिन अब मजदूरों के जाने पर ही कांग्रेस विरोध कर रही है, जो कि सरासर गलत है। अंकुश दत्त शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग कोरोना वीरों का मनोबल भी गिरा रहे हैं और आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के राशन की कटौती का आरोप लगा रही है, जो कि पूरी तरह गलत है। देखिए, दीपक शर्मा एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तजुर्बे वाले व्यक्ति हैं। जब हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कई लोग बाहर के प्रदेशों में फंस गए, तब कांग्रेस पार्टी और यही लोग हल्ला डाल रहे थे कि उनको अपने घरों में वापस बुलाओ, उनको अपने परिवार वालों के पास वापस बुलाओ। तो ये जो लोग बाहर के राज्यों से यहाँ काम करने आते हैं, रोजी रोटी कमाने आते हैं, इनके घर परिवार नहीं है क्या? इनको अपने परिवारों के पास नहीं जाना होगा? तो ये अपने लोग अपने घर जा रहे हैं, इसके बीच कांग्रेस इनका विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस को सिर्फ विरोध करना ही आता है और कुछ नहीं कर सकती है।